नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर का कि 60 मिनट्स मैथ लेक्चर ऑफ एनी चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है शुरुआत जितने भी लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर इतना आप टारगेट नहीं बनाएंगे तो जो भी मैं कह रहा हूँ करने के लिए वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा डेली बेसिस पे। ये काम आपको दो वीक तक करना है, तो इसमें भी अगर आप दो वीक तक करेंगे तो आपके कम से कम तीन से चार चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब बात करते हैं इस वीडियो का जो मेन टॉपिक है, हमें एनटीपीसी जो ग्रेजुएशन लेवल का है और 10+2 लेवल का है, इसकी हमें तैयारी कैसे करनी है उसके बारे में हम बात करेंगे। और इसमें मैं एक प्रोसीजर बताऊंगा कि सिर्फ आपको ये दो वीक तक अगर ये जो टारगेट मैं दे रहा हूँ इसको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपका जो अभी जो स्टेज है जिस लेवल पर अभी आप हैं डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। और ये मैंने तैयार किया हुआ है, सिर्फ आपको दो वीक पहले इसे फॉलो करना है और अगर आपको बेनिफिट्स लगता है तो आप इसको कंटिन्यू करिएगा। देखिए जितने भी लोग फॉर्म फिल कर रहे होंगे एनटीपीसी का, चाहे ग्रेजुएशन हो चाहे 10+2 लेवल का हो, उसमें से मैक्सिमम लोग होंगे जो टेक्नीशियन का, एएलपी का, आरपीएफ का, जेई का, इसमें फॉर्म उन्होंने भरा होगा पहले। बहुत ही कम स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बिल्कुल नए होंगे एनटीपीसी के लिए, मतलब उनके लिए रेलवे का एग्जाम एकदम पहली बार होगा एनटीपीसी, तो उससे पहले ही बहुत सारे लोग होंगे जो एएलपी, सीबीटी 1 और जेई का, आरपीएफएसआई या फिर टेक्नीशियन में वो लोग अपीयर करेंगे, तो वो लोग पहले से तैयारी कर भी रहे होंगे। लेकिन जो लोग नए हैं या फिर जिनका टारगेट बिल्कुल एनटीपीसी है तो उनको कैसे एकदम तैयारी शुरू करनी चाहिए और क्या उनको टारगेट रखना चाहिए, तो शुरू में मैं बताऊंगा एकदम बेसिक से आप ये प्रोसीजर फॉलो करिए और इसमें आपका जो पढ़ाई है बेसिक से स्टार्ट होगा और आपको दो वीक में डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल के हों चाहे 10+2 लेवल के हों, पेपर के लेवल में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो उससे पहले आपको क्या क्या चीज़ें करनी है वो मैं इसमें बताता हूँ। सबसे पहले आपको कोशिश करना है कि जो लोग नए हैं एकदम, मैं उनकी बात कर रहा हूँ कि आपको कम से कम डेली 5 से 6 घंटे का टारगेट बना के चलना है कि इतना मुझे पढ़ना है, क्योंकि अगर इतना आप टारगेट नहीं बनाएंगे तो जो भी मैं कह रहा हूँ करने के लिए वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा डेली बेसिस पे। अब देखिए दूसरा पॉइंट मेरा यहाँ पे है कि वन बुक ऑफ प्रीवियस ईयर पेपर्स, प्रीवियस ईयर पेपर्स का क्वेश्चंस का कलेक्शन आपके पास होना चाहिए। कोई ना कोई एक बुक आप रख लीजिए जिसमें सारे पेपर हों, मेरे कहने का मतलब ये है कि पूरा कंप्लीट पेपर दिया हो एनटीपीसी एग्जाम का। तो एनटीपीसी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहले कोशिश करिए कि एनटीपीसी का जो पिछला पेपर हुआ है उसका पेपर आपके पास होना चाहिए। हालांकि साथ ही साथ आपको एएलपी का, टेक्नीशियन का, जेई का, इसका भी सीबीटी 1 का पेपर अगर आप देखेंगे तो लगभग प्रैक्टिस उसी तरह से रहती है जो एनटीपीसी में। लेकिन सबसे पहले एनटीपीसी का देखना है, क्योंकि उसमें पता है आपको कि जो जनरल साइंस है, जीके है, जितना पोर्शन उसमें दिया रहता है वही एनटीपीसी के पहले वाले जो अभी पेपर कंप्लीट हुए हैं उसमें हुए हैं। तो एकदम सटीक अगर आपको जानना है एग्जाम के बारे में तो आपके पास एनटीपीसी का बुक आपके पास होना चाहिए। अब जिनके पास भी अगर बुक नहीं है तो आरआरबी एनटीपीसी का ये नॉन टेक्निकल के लिए जो दिशा पब्लिकेशन का गाइड है हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। अब इस बुक में 2021 और 22 का जो पेपर हुआ था वो और 2017 और 18 ये जो पेपर हुआ है इसमें अवेलेबल है, आपको इसके जो सेट्स हैं इसमें अवेलेबल हैं, चैप्टर वाइज करके दिया है और उसका सोल्यूशन भी इसमें एक्सप्लेन करके दिया हुआ है। और एक बात क्या है कि हर एक चैप्टर में जो जितने भी टॉपिक होते हैं हर एक सेक्शन का उसका थियरी पोर्शन भी उसमें दिया हुआ है, तो ये अच्छी बात है कि थियरी भी आप इसमें समराइज करके पढ़ सकते हैं। इस बुक के कंटेंट में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे रीजनिंग का जो पोर्शन है वो यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद से अर्थमेटिक का जो पोर्शन है ये यहाँ पे हर एक चैप्टर को यहाँ पे दे करके रखा हुआ है, उसके बाद से आप देखिए जनरल अवेयरनेस दिया हुआ है, जनरल साइंस को भी यहाँ पे कवर किया है। बाकी यहाँ पे एक अच्छी बात है, जैसे मान लीजिए आप रीजनिंग का पहला चैप्टर देख रहे हैं अल्फ़ाबेट एंड नंबर अरेंजमेंट, तो उसमें क्या है कि शुरुआत में जो 3-4 पॉइंट के अच्छे अच्छे टिप्स हैं कैसे इसके क्वेश्चंस को करना चाहिए वो एक समरी के तौर पर यहाँ पर दे दिया है, एग्जाम्पल के तौर पर समझा भी दिया है। उसके बाद से यहाँ पे एक्सरसाइज दिया है, एक्सरसाइज आप सॉल्व करिए और इसके बाद से आप चाहें तो इसका सोल्यूशन आप देख सकते हैं, हिंट के तौर पे भी यहाँ पे दिया है, मतलब शॉर्टकट तरीके से भी कैसे सॉल्व करना है ये चीज़ भी दे करके बहुत अच्छी चीज़ किया हुआ है कि आप इसका डिटेल सोल्यूशन हिंट के द्वारा भी आप इसमें शॉर्टकट तरीके से भी इसको कर सकते हैं। एक समरी के तौर पर ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी रहेगी। उसके बाद से जितने भी लोगों के पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कलेक्शन नहीं है वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसमें आपको दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल बुक आपको दिशा पब्लिकेशन में मिल जाएगा, जिसमें आपको जो 2017-18 में जो पेपर हुए थे उसके भी पेपर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। और उसके बाद से जो 2019 का जो पेपर होना था जो कि 2022 में हुआ था उसके भी सेट्स आपको स्टेज 1 के, सीबीटी 1 के पेपर इसमें हैं और सीबीटी 2 के भी पेपर आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। दोनों बुक का जो आपको ऑनलाइन लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाकर के आप परचेज कर सकते हैं, चाहे तो आप नज़दीकी शॉप पे भी जाकर के ले सकते हैं।
अब आपने बुक तो परचेज कर लिया, इस दो वीक में आपको क्या क्या करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इस दो वीक में आपको कम से कम 8 से 10 प्रीवियस ईयर पेपर जो है उसको सॉल्व करने हैं। अब होता क्या है कि जो लोग एकदम बिगिनर हैं वो लोग सॉल्व तो नहीं कर पाएंगे सारा पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन में उसको दिक्कत आएगी, लेकिन ये 8 से 10 पेपर मैं इसलिए सिर्फ कह रहा हूँ कि आपको एक तरह से आइडिया लग जाए कि किस तरह के क्वेश्चन बनते हैं, कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे साइंस हो गया चाहे मैथमेटिक्स हो गया, किस पोर्शन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेवल क्या है, हर एक पेपर में कम से कम कितना परसेंट जो क्वेश्चन है लगभग जो आसान है और मैंने अभी तक तैयारी शुरू नहीं की है बहुत अच्छे से, तो कितना तक मैं अभी स्टार्टिंग में मैं क्वेश्चंस कर पा रहा हूँ, ये सारा आइडिया तभी लगेगा जब आप प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व करेंगे। तो इस दो वीक में कम से कम आपको 8 से 10 प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। अब ये क्या है कि डेली तो आपको करने नहीं है, एक दिन के गैप पर भी अगर आप करेंगे तो आपका जो पेपर है वो 8 से 10 आपका पेपर इसमें हो जाएगा। तीसरा पॉइंट है कि आपको आपके पास एक जनरल साइंस का बुक होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके पास जनरल साइंस का, अगर आपके पास बुक है तो ये काम आपको करना है कि डेली कम से कम 70-80 क्वेश्चन आपको डेली उसमें से जनरल साइंस क्वेश्चन में से जो बुक है आपके पास उसमें से पढ़ना है आपको। अब ये काम जब आप करेंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि जिस टॉपिक से क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है, जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप से क्वेश्चन आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन आपने देख लिया तो आप समझ जाएंगे कि ब्लड ग्रुप जो टॉपिक है वो मेरा इंपॉर्टेंट है, हालांकि आपने उसको कवर नहीं किया है, पढ़ा नहीं है उसका डिटेल वीडियो, तो आप क्या करेंगे अलग जगह पे आप लिख लेंगे कि ब्लड ग्रुप जो टॉपिक है उसको पढ़ना है मुझे। अगर आप कोचिंग करते हैं तो कोचिंग से नोट से आप अपने कोचिंग में आपको पढ़ाया गया है तो वहां से आप पढ़ सकते हैं, बाकी यूट्यूब पे आपको ये टॉपिक आपको सर्च करना है और 10 से 15 मिनट के वीडियो लेक्चर को आप देख लेंगे और उसमें से आप नोट्स बना लेंगे तो सारा टॉपिक ये ब्लड ग्रुप का जो क्वेश्चन आप पूछा जा रहा है तो वो आपका कवर हो जाएगा। तो इसी तरह से डेली आपको कम 80 क्वेश्चन आपको करने हैं और दो वीक में आपका कम से कम मान के चलिए 1000 प्लस क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा और 1000 क्वेश्चन जनरल साइंस में अभी शुरुआत में 2 ही हफ्ते में अगर इतना आप कवर करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि 400-500 हो सकता है कि 400 क्वेश्चन आपको आ रहे होंगे, 600 क्वेश्चन आप एकदम नए क्वेश्चन देख रहे हैं, तो इसमें आपको क्वेश्चन सीखने को मिलेगा और इसमें से जो जो टॉपिक से पूछा जा रहा है वो आप अलग जरूर लिख करके रखिएगा क्योंकि उससे रिलेटेड आपको यूट्यूब पर वीडियो देखना है और सब पे एक एक पन्ने का एक एक पेज का नोट्स आपको बनाना है। नेक्स्ट पॉइंट है फोर्थ नंबर का कि 60 मिनट्स मैथ लेक्चर ऑफ एनी चैप्टर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुरुआत जितने भी लोग कर रहे हैं कि उनको क्या करना है कि हर एक दिन डेली आपको कम से कम 1 घंटे का या 2 घंटे का जितना आपके पास टाइम हो सके, 1 घंटे का मिनिमम मैंने यहाँ पे टारगेट रखा हुआ है कि डेली आपको 60 मिनट का वीडियो लेक्चर देखना है मैथमेटिक्स का। अब ये ध्यान देना है कि कोई ऐसा नहीं कि कोई भी चैप्टर आपने उठा लिया और उसका वीडियो आप देख रहे हैं, आपको सबसे पहले सिलेबस को लिख करके रखना है और कोशिश करना है कि हमें जो इजी चैप्टर है इजी चैप्टर से हम उसकी शुरुआत करें और जब वो चैप्टर आप शुरू करेंगे तो उसका 60 मिनट का आप वीडियो लेक्चर देखेंगे, हो सकता है उसका 4 से 5 लेक्चर में वो पूरा चैप्टर कंप्लीट हो, लेकिन फिर भी 60 मिनट का आप लेक्चर जब आप एक दिन में देख लेंगे तो कोशिश करिएगा कि कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन आप उस दिन सॉल्व करिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, या फिर मैथमेटिक्स का एक बुक ले सकते हैं, किरण पब्लिकेशन का भी आप बुक ले सकते हैं जिसमें जो स्पेशली वो मैथमेटिक्स के लिए बनाया गया है उसमें 10,000 प्लस क्वेश्चन है। ये काम आपको 2 वीक तक करना है, तो इसमें भी अगर आप 2 वीक तक करेंगे तो आपके कम से कम 3 से 4 चैप्टर आपके कंप्लीट हो जाएंगे और आपको लेक्चर देखते रहना है। अगर आपको एक लेक्चर में नहीं समझ में आता है 2 लेक्चर 3 लेक्चर मैक्सिमम मिनिमम तो मान के चलिए कि हर एक चैप्टर में 6-7 लेक्चर तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा, तो आप ये कोशिश करिएगा कि कम से कम जो बढ़िया टीचर हैं चाहे अभिनय मैथ से आप देख रहे हैं, राकेश यादव सर के से आप देख रहे हैं, तो सिर्फ वही वीडियो देखिए जिसमें वो पढ़ाया गया है। अब ऐसे वीडियो पे आप ज़्यादा ध्यान नहीं दीजिएगा, जो कंट्रोवर्शियल वीडियोस रहते हैं ये लोग अपलोड करते हैं उस पर अगर आप ध्यान देंगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा, आप सिर्फ उनके पढ़ाए हुए वीडियोस को जो चैप्टर इसमें कवर किया गया है सिर्फ वही वीडियोज़ आप देखिए, किसी भी टीचर का अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो। फिफ्थ नंबर का पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जनरल साइंस वाले लोगों के लिए, डेली आपको 2 वीडियो देखने हैं 10 मिनट के साइंस टॉपिक पे। अब ये टॉपिक पता चलेगा कहाँ से आपको, जो जनरल साइंस की बुक मैंने आपको कही है और 80 क्वेश्चन आपको डेली करने के लिए कहा है वहीं से आपको उठाना है कि कौन कौन टॉपिक से क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, तो अब वो टॉपिक जब आप डेली सेलेक्ट करेंगे कम से कम मिनिमम आपको 2 टॉपिक आपको डेली सेलेक्ट करना है और साइंस से रिलेटेड जो वीडियो लेक्चर हैं 20-30 मिनट के मैक्सिमम वीडियो आप देख लेंगे एक ही टॉपिक पे मिलेगा और ऐसे 2 टॉपिक आपको डेली कवर करना है। जैसे मान लीजिए पीरियडिक टेबल का आप जान रहे हैं क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप पीरियडिक टेबल का एक वीडियो देखिए 30-35 मिनट का जो भी आपका होगा उसमें सारा कवर होगा, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन होंगे वो वहाँ से कवर हो जाएंगे और ऐसे में आप लिख करके जरूर रखिएगा कि ये टॉपिक मैंने पढ़ लिया और इसका नोट्स बनाना। यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि नोट्स बनाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है, जो भी चीज़ें मैं इसमें बता रहा हूँ वो 2 वीक तक सिर्फ आप 2 हफ्ते तक ये करिए ये काम, आपका डेफिनेटली नंबर इंप्रूव होगा, रिविजन भी आपका अच्छा होगा और टेस्ट सीरीज में आपके नंबर बढ़ेंगे।
नेक्स्ट है सिक्स नंबर का पॉइंट, आपको क्या करना है कि एक मंथली जो है करंट अफेयर मैगजीन आपके पास होना चाहिए। अब मंथली करंट अफेयर मैगजीन अगर आपके पास है तो आप पूरे एक महीने तक आप उसको पढ़ना है, लेकिन अब देखिए क्या करना है कि आपको 15 दिन में ही पूरा मैगजीन कवर कर लेना है। एक मैगजीन को पढ़ने के लिए 15 दिन मोर देन सफिशियंट होता है। कि कोई अगर लड़का सीरियस है तो मुझे लगता है एक मंथली जो मैगजीन होता है वो अगर पढ़ना चाहे तो 3 से 4 दिन में वो कंप्लीट करके पूरा पढ़ सकता है, 2-2 घंटे अगर भी देता है तो। देखिए मैंने यहाँ पे कहा है कि 5 से 6 घंटे टाइम देना है। जब आप रेगुलर बैठना शुरू करेंगे तो लगेगा कि आपका हो सकता है कि 5 से 6 घंटे के अंदर आपका ये जो भी मैं टॉपिक दे रहा हूँ पढ़ने के लिए डेली बेसिस पे ये कंप्लीट ना हो पाए, तो उसमें आपको जो आवर्स हैं वो आपको बढ़ाने पड़ेंगे, हो सकता है 7 घंटे भी आपको पढ़ना पड़े किसी दिन। तो ऐसे में जब आप अपना टारगेट बढ़ेगा आपका तो पढ़ाई का जो टाइम है वो इंक्रीज होगा, तो तभी आपका नंबर जो इम्प्रूव होगा टेस्ट सीरीज में या फिर मॉक टेस्ट में। तो ऐसे में 1 मंथली मैगजीन आपके पास होना चाहिए। हमेशा कोई एक ही मैगजीन आप फॉलो करिएगा, बार बार मैगजीन चेंज करने से आपका नुकसान होगा। और इसको एक मंथ का जो मैगजीन है उसको कोशिश करना है आपको 2 पन्ने में या मैक्सिमम 5 पेज में आपका जो नोट्स है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए, कवर हो जाना चाहिए। अब 15 दिन में अगर आप इस मंथली मैगजीन को एक कवर कर लेते हैं तो अगले 15 दिन तक इसका सिर्फ रिविजन करना है। आप चाहें तो करंट अफेयर से रिलेटेड यूट्यूब पर वीडियो भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है रिवीजन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 7th डे सिर्फ और सिर्फ रिवीजन पे होना चाहिए और एक ऑनलाइन टेस्ट आपको देना है। जो लोग अभी शुरुआत कर रहे हैं, देखिए ऑनलाइन टेस्ट मैं शुरू से ही क्यों कह रहा हूँ देने के लिए, जब आप शुरू से आप पेपर देना शुरू करते हैं, जब आप जो आपने पढ़ा है पिछले हफ्ते में रिवीजन भी आपने किया है, क्या उस टॉपिक से क्वेश्चन जो टेस्ट सीरीज में आ रहा है क्या आपका वो गलत तो नहीं हो रहा है, इसलिए आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है। अभी वीक में सिर्फ और सिर्फ एक टेस्ट देना है। जिस दिन आप रिवीजन कर रहे हैं उस दिन सिर्फ रिवीजन करिए, 2-3 घंटा आप पूरे हफ्ते का रिवीजन कर सकते हैं, उसके बाद से आप चाहें तो 1 घंटे का एक टेस्ट सीरीज दीजिए और उस टेस्ट सीरीज का एनालिसिस आपको सेम डे में करना है। ये जो भी चीज़ें मैंने बताई, जितने भी लोग NTPC की तैयारी कर रहे हैं वो लोग अगर 2 हफ्ते तक मिनिमम, आपको मैंने कहा है कि 14 डे तक आप इसको टारगेट बना करके चलिए, और इतना अगर आप करते हैं तो डेफिनेटली आपका जो इम्प्रूवमेंट है, जो पढ़ाई का लेवल है वो एक टारगेट बेस पे चलता रहेगा और आपको रिजल्ट दिखेगा इससे। तो अगर इससे फ़ायदा होगा तो आप इसी चीज़ को फिर से कंटिन्यू करते रहिए। अब ऐसे में क्या है कि बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनका कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कम वीक होगा, तो उसके लिए मैं अलग से बताऊंगा कि उसमें डेफिनेटली आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान देनी है। जैसे तो ये सारी चीज़ें आप ध्यान रखिएगा, NTPC की जितने भी लोग तैयारी कर रहे हैं ये चीज़ अगर आप 2 वीक तक करेंगे तो आपको फ़ायदा होगा। इसके अलावा अगर NTPC एग्जाम से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और फिर से मैं सभी को बधाई देना चाहता हूँ और सभी को धन्यवाद कि द स्टूडेंट चैनल के 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे हो चुके हैं। जो लोग चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में जो लोग रेलवे से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं तो उनको आप चाहे तो वीडियो शेयर कर सकते हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।